हेलो एवरीवन बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास। और आज जो है लेक्चर सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। और इस लेक्चर में बेटा हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। एक बार मुझे जरा ओके लिखो और ये बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। क्लियर? एक बार फटाफट से बता दो बेटा, स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर को, जल्दी से बताएंगे मुझे। ठीक है, हाँ असल में माइक हो जाता बेटा, माइक हो गया मेरा है ना, माइक हो जाता बहुत देर से, तो माइक मिल रहा था। ठीक है, इस वजह से ये दो चार मिनट लगे। हाँ जल्दी बता दो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? करें स्टार्ट? हाँ बेटा बोल, बताओ जल्दी से, कर लें स्टार्ट? ठीक है स्टार्ट करें बेटा, चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा लेक्चर को। और क्या टॉपिक हमने पढ़ना है, आपको आवाज आ रही है? ओके लिख दो। ठीक है चलिए, ठीक है। एक बार हमने लास्ट लास्ट में क्या पढ़ा था मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, एक बार लेक्चर से भी रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, उसको फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक, चले स्टार्ट करें बेटा। चलिए ठीक है, हाँ चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर वन में क्या डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर वन में हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, हमने जेनेटिक्स क्या होता है ये बताया था, हमने बताया था वेरिएशन क्या होता है ये बताया था, और हमने बेटा इसके अलावा क्या बताया था, देखो जेनेटिक्स क्या होती है, वेरिएशन बता दिया था आपको, हेरिडिटी बता दिया था। अच्छा वेरिएशन अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बोला था, इट इज डिग्री या अमाउंट ऑफ डिफरेंस किसके बीच में, दो बच्चों के बीच में या बच्चे का अपने पेरेंट के साथ जो डिफरेंस है। फिर हमने कहा था हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर हमने कहा था जेनेटिक्स जो है वो लोगों को पता थी पहले से पर उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। फिर हमारे पास साइंटिफिक बेसिस पे कौन आए थे, हम कहेंगे मेंडल आए और उन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे काम किया। हमने कहा जो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इस बात से रिलेटेड बेटा, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कैरेक्टर की मिक्सिंग की बात करता था। फिर हमारे पास मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आए, मेंडल क्या थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका बर्थ हमने बताया कब हुआ, उन्होंने क्या किया बेटा, एक मॉनेस्ट्री में काम किया और मॉनेस्ट्री में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर काम कर रहे थे, तो उन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च करी, उन्होंने जेनेटिक्स को देखने का एक नया नजरिया लाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ क्रॉस कराए और उसके रिजल्ट के थ्रू कैरेक्टर्स के बारे में बताया। जबकि तब तक हमारे पास क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब भी उन्होंने जो बातें कही वो आज से 35 साल बाद उसको सही प्रूव किया जा सका, तो समझो उनकी डिस्कवरी उनके टाइम से पहले की थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनको उतना सक्सेस नहीं मिला, कुछ और भी रीजन थे लेकिन आप समझिए उनको सक्सेस ना मिलने का ये रीजन हो सकता है कि उनकी जो डिस्कवरी थी उस टाइम से पहले की थी। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि उन्होंने काम कब पब्लिश किया, काम किया कब, 1856 से 63 में काम किया, पब्लिश कब किया 1865, ये आपको पूछ सकते हैं। दूसरा बेटा मेंडल के साथ एक चीज और आप याद रखेंगे कि मेंडल ने अपना काम 1865 में पब्लिश किया, फिर तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करी, क्योंकि मेंडल का काम उतना वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, लोगों ने उतना एक्नॉलेज नहीं किया उसको, उतना ज्यादा माना नहीं। तो हमारे पास एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना, एक सेकंड देना, एक सेकंड देंगे। चलिए बेटा मेरी आवाज आ रही है, कुछ मुझे इशू लगा इस वजह से मैं रुक गया था 2 मिनट के लिए, है ना, मैं कुछ बातें मेंडल की बता रहा था। अब मुझे जरा बताओ, एक सेकंड रुक जाओ और आपको मैं अब तभी स्टार्ट करूंगा जब सब लोग ओके लिख देंगे, मैं विजिबल होंगे और आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ध्यान से बताओ जल्दी से, मैं विजिबल हूं? हाँ भाई, कहा हम दिख रहे हैं? दूसरा, कहा आप हमें सुन पा रहे हैं? जल्दी बताओ बेटा, ये दो बातें बता दो, फिर मेंडल की कहानी आगे चलेंगे, बहुत सारा पढ़ना और एक्स्ट्रा टाइम रहूंगा आज मैं। जल्दी बोलो, कहा हम दिख रहे हैं और कहा हमारी बात सुन पा रहे हैं, ये दो बात का जवाब दो। ठीक है चलिए बेटा, देखो 2 मिनट लग जाता, ऑनलाइन क्लास होती है, क्या होता है बेटा आवाज नहीं आती। ठीक है, सुन पा रहे मेरी आवाज? स्टार्ट कर ले। ठीक है चलिए, देखिए बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लैग नहीं है, लैग नहीं है, तो सुन पाए आप लोग? ठीक है क्लियर, चलें चलिए डन, अब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अब सुन लो ध्यान से बेटा, मेंडल के बारे में बात कर रहे थे। मेंडल बेटा उन्होंने अपना काम पब्लिश किया 1865 में, काम उतना ज्यादा, मतलब आप चैट रोक दो, आप सुनो मेरी बात। मुझे ऐसा लगा सब सुन पा रहे हो, चैट रोक एकदम मेरी बातें सुनोगे ध्यान से आप। ठीक है चैट रोक दो, खामोश हो जाओ एकदम, है ना, शत्रुघ्न सिन्हा हो जाओ सारे। सुनो अब ध्यान से सुनो, मेंडल ने क्या किया था, अपना काम पब्लिश किया था 1865 में, उनके काम को उतना ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ, जब उनके काम को एक्सेप्ट कर लिया गया, समझ लो ध्यान से, एक्सेप्ट कब हुआ, 1900 में, 1900 में तीन साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, टेशमार्क और डी वरीस। उन्होंने उनके काम को क्या करा, फाइनली कहा कि हाँ ये ठीक है, उनके काम को उन्होंने क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहां से आगे जाएंगे और मेंडल के काम पे बात करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था। हमने कहा कि मेंडल ने हमारा एक एक्सपेरिमेंट कराया जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हम जो करेंगे बेटा, आपको पिछला एक बार रिवाइज करें फटाफट से, ताकि आपको ये सारी चीजें आ जाए समझ। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील कर रही है। हमने वेरिएशन को बोला था डिग्री या अमाउंट ऑफ डिफरेंस, है ना, डिग्री या अमाउंट ऑफ डिफरेंस बोला था, ये हमने बात की थी। इसके बीच का डिफरेंस, दो बच्चे जो एक ही पेरेंट्स के हैं और बच्चे का अपने पेरेंट्स से डिफरेंस। दूसरी बात हमने क्या बोली थी, हेरिडिटी, हेरिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ट्रेट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था, मैंने मेंडल की पूरी कहानी सुनाई थी आपको, पर मैंने बोला था बेटा एग्जाम के पर्पस से सिर्फ आपको ये दो बातें याद रखनी,
रखनी है कि कब उसने अपना काम पब्लिश किया, और दूसरी बात आपको ये याद करने कब एक्सपेरिमेंट किया और कब अपना काम पब्लिश किया। तीसरा बेटा, आपको मैंने ये बताया था कि तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की थी, उनमें से हमारे पास नाम याद करने आपने कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन टेशमार्क और डी वेज़। ह्यूगो डी वेज़ करके साइंटिस्ट थे। ह्यूगो डी वेज़ वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने म्यूटेशन पे काफी काम किया है और हम उनको एवोल्यूशन में भी उनका कंट्रीब्यूशन मानते हैं, उन्होंने एवोल्यूशन में काफी काम किया है। तो हमने कहा कि इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को अलग अलग करके देखा और ये पाया कि मेंडल का काम सही था, तो उन्होंने उस काम को कहते हैं रीडिस्कवरी करी। अब क्या हुआ बेटा, हमने मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। हमने कहा था कि मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उसके क्या स्टेप है, सुन लो ध्यान से। मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट में एक एक्सपेरिमेंट कराया था जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मैं बेटा जब आपसे चैट में बात करूंगा तभी बात करना, अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप चैट में लिख रहे हो तो इससे मैंने याद करो, मैंने बताया था ना कि जिस गेट के दरवाजे पे अगर वो लगा, सॉरी जिस गेट पे मान लो ताला लगा, अगर आप वहां जाके बेल बजाने तो कोई फायदा नहीं, तो लास्ट मैंने बताया था आपको। तो मैंने आपको यहीं पे यही बोला आपसे बेटा, मैंने बोला कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मेंडल ने, और जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो क्या था, सबसे पहले था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, मतलब हमने क्या किया, पेरेंट का सिलेक्शन किया बेटा। किसका सिलेक्शन किया, ठीक है, पेरेंट का। सुनो ध्यान से, हमने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करी, क्रॉस बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट, रिजल्ट ऑफ क्रॉस और इन्फ्रेंस, इस पे बात करेंगे। तो हमने कहा कि देखो मेंडल का हमने एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिसमें मेंडल ने क्या किया था, पेरेंट को सिलेक्ट करके क्रॉस कराया था। आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके दो स्टेप पढ़े थे, पहला कि पेरेंट कैसे सिलेक्ट कराया, सॉरी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने सात कैरेक्टर पढ़े थे। सात कैरेक्टर वो कैरेक्टर थे जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, क्या कराने के लिए बेटा, क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने सिलेक्ट किए थे। मेंडल ने 14 मतलब प्योर लाइन क्या होता है, प्योर 14 प्योर पेरेंट्स, मतलब 14 होमोजाइगस पेरेंट लिए थे, उनमें से वो जोड़ों में थे, पेयर में थे, एक टॉल था, ड्वार्फ था। ये मैंने लास्ट आपसे डिस्कस किया था, उसके बाद आप याद करो, ये लास्ट था। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है, क्लियर बेटा, 14 प्योर लाइन, ठीक, क्लियर हो गया यहां तक समझ आ रहा है आपको, ठीक हो गई बात। चलिए अब यहां से हम आगे मूव कर रहे हैं। ये हमने लास्ट पढ़ लिया था, हमने कहा था प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ये मेरे पास सात कैरेक्टर थे, इनमें मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव आपको बता दिया था। अब मैं यहां से बेटा स्टेप टू पे मूव करूंगा, उसके बाद मैं स्टेप थ्री की बात करूंगा। मैंने स्टेप वन में आपको ये बताया था कि ये कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे कैसे याद करोगे आप। एक नंबर का था आपको याद करने के लिए 4144571, ये क्रोमोसोम का नंबर है जिस पर ये कैरेक्टर प्रेजेंट थे। हमने इतनी बात कर ली है, अब हम यहां से आगे जा रहे हैं। मैंने आपके 7-8-10 मिनट जो लिए पुराना बताने के लिए, अब मैं यहां से आगे पढ़ा रहा हूं आपको, और मैं स्टेप टू पे जा रहा हूं। अब मैं जो पढ़ाऊंगा आपको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, एकदम फोकस करके मेरी बात सुननी, ठीक है। अब हम स्टेप टू पर आ गए, ठीक है, हम किस पे आ गए, स्टेप टू पर आ गए बेटा। प्योर लाइन जिसको नहीं समझ आया, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, प्योर लाइन का मतलब होता है जैसे मान लो आपके पास टॉल प्लांट है, आप इस टॉल प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करो, बट सेल्फ पॉलिनेशन इसी का पॉलन इसी के सिग्मा पे डालो, जिसे हम सेल्फिंग या ऑटोगैमी कहते हैं। उसकी वजह से अगर आपके पास सिर्फ टॉल आए, मतलब उसके जो बीज आए उनको ग्रो किया, तो फिर से टॉल आया, फिर सीड आए, फिर ग्रो किया, फिर से टॉल आया, तो बार बार आपके पास टॉल आता चला जाएगा, आप ग्रो करते चले जाए, तो ग्रो करते चले जाए और आपके पास टॉल आता चला जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योर लाइन बोलते हैं। तो प्योर लाइन आप देख पा रहे हैं ना, प्योर लाइन देख पा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखें बेटा, स्टेप सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टेप सेकंड की हम बात कर रहे हैं, और स्टेप सेकंड क्या है इस पर हमें डिस्कस करना है ना, स्टेप सेकंड की क्या है बात, इस पर हमने डिस्कस करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले पहला स्टेप हमने करा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सेकंड स्टेप हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्रॉस पढ़ रहे हैं। तो देखिए मेंडल ने क्या क्रॉस कराया था, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्रॉस। देखो क्रॉस क्या कराया था मेंडल ने, बहुत ध्यान से सुनोगे आप और आपको सारी बात बहुत ध्यान से समझनी बेटा, आपने सारी बातें बहुत ध्यान से समझनी कि मेंडल ने क्या क्रॉस कराया था, ठीक है, ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो मेंडल ने क्या किया था, समझना इस बात को बेटा, ठीक है। देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने स्टेप 2 में क्रॉस कराया, किसके बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स, जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट के रूप में, उनके बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया। ये क्रॉस कैसा क्रॉस था, हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे क्लास 10th में, तो आप में से बहुत सारों ने ये नाम सुना होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये नाम भी सुनेंगे। हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस सीखेंगे कि क्या क्रॉस किया। तो मेंडल ने क्या क्रॉस किया बेटा, एक प्लांट लिया जो टॉल था, मान लो दिस इज टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये टॉल प्लांट है, टॉल किसका प्लांट है, पी का, ठीक है, क्लियर। इसको इसमें मेरे पास फ्लावर आया होगा, इसको क्रॉस कराया किस प्लांट से, ड्वार्फ से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया, तो ऐसा हो सकता है कि इसका पॉलन इस पे डाला हो या इसका पॉलन इस पे डाला हो, इसे हम क्रॉस कराना कहते हैं। तो ये जो मैंने लिखे हैं यहां पर, इन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। ये क्या है, पेरेंट, ध्यान सुनिए, ये दोनों मेरे पास पेरेंट्स हैं, तो मैं कहता हूं कि ये जो मेरे पास जनरेशन है, इसे मैं पेरेंटल जनरेशन का नाम देता हूं। तो जिनके बीच में क्रॉस कराया जाता है उसे मैं पेरेंटल कहता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, जनरेशन पेरेंटल आ गई। बहुत फोकस करके ध्यान से सुनना, सारा समझ आएगा, दो मिनट मेरी बात सुनना, बस थोड़ी देर सुनोगे ध्यान से तो सब समझ आएगा। देखो बेटा, उन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, पेरेंट लिए, एक टॉल पेरेंट लिया और उसको ड्वार्फ से क्रॉस कराया। टॉल और ड्वार्फ का मतलब क्या है, ये दोनों कंट्रास्टिंग है, कंट्रास्टिंग का मतलब अलग अलग है। तो टॉल को क्रॉस कराया ड्वार्फ से, और मैं यहां पर लिख रहा हूं प्योर, प्योर का क्या मतलब होता है, होमोजाइगस, उसको क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ से। आपको प्योर वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए, प्योर वर्ड का मीनिंग होता है कि आपको प्योर टॉल को क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ से, मतलब टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया। उसके बाद मेरे पास क्या आया, समझना, देखो बहुत जरूरी बात, जब प्योर टॉल को क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ से, तो मेरे पास जो जनरेशन आई उसके सभी तरह के प्लांट, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसका पॉलन इस पे डाल दिया, तो इसका स्टिग्मा हुआ, इस प्लांट ने सीड बनाए, उन सीड्स को मैंने ग्रो करा। जब उन सीड्स को मैंने ग्रो किया, तो सभी तरह के प्लांट मेरे पास क्या आए, टॉल आए। तो जितने भी प्लांट आए, चाहे 2000 आए, 4000 आए, वो सारे मेरे पास टॉल आए। तो हम ये कहते हैं कि ये जो जनरेशन है, इसे पेरेंट्स कह रहे हैं। तो पेरेंट वाली इस जनरेशन, देखो ये दोनों पेरेंट्स हैं बेटा, ये पेरेंट है, ये एक पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है। तो इन दोनों की जनरेशन को हमने नाम देना है पेरेंटल। क्या नाम दे रहे हैं इनको, हम पेरेंटल नाम दे रहे हैं। तो ये मेरे पास पेरेंटल हो गई, ये मेरे पास क्या होगी, पेरेंटल। अब मैंने इनके बीच में क्रॉस कराया और ये जो आया मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गई, F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आ गई। याद रखना बेटा इस बात को, मैंने प्योर टॉल को क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ से, मेरे पास सभी तरह के पौधे जो बीज आए, मान लो इसका पोलन इस पे ट्रांसफर किया सिग्मा पर, और मेरे पास बीज आए, सीड बनेंगे ना, उन सीड्स को ग्रो किया, ग्रो करने पर सभी तरह के प्लांट कैसे आ गए, टॉल आ गए। तो ये जो टॉल प्लांट आए, ये इन दोनों की फर्स्ट जनरेशन है, इसे हम F1 जनरेशन या फिलियल वन कहते हैं। फिलियल वन का मतलब एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन हो गई, अभी के लिए इतनी बात याद करनी बेटा आपने, इसको हम फिलियल वन कहते हैं, ठीक है, F1 जनरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब पेरेंट के बीच में क्रॉस कराने के बाद मेरे पास F1 जनरेशन आ गई। अब मैंने क्या करी, अगर आप ध्यान से देखो ये क्रॉस है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब होता है आप ऐसे ही और प्लांट लें या इसी का पोलन इसी पर ट्रांसफर कर दें। आप इसकी क्या कर रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हो। जब आप इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करोगे, तो आपके पास जो प्लांट्स आएंगे वो दो तरह के आ गए, एक आपके पास टॉल प्लांट आए, एक आपके पास टॉल प्लांट आए, ठीक है, टॉल प्लांट आए, और एक आपके पास ड्वार्फ प्लांट आए। दो तरह के प्लांट आए,
ठीक है, कैसे प्लांट है, दो तरह के प्लांट है, इसे हम F2 जनरेशन कह रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखना बेटा कि मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट को लेकर क्रॉस बनाया और उस क्रॉस में जिनके बीच में क्रॉस करा रहे थे उनको कैसे नाम दिया। देखो इन दोनों को पेरेंट माना तो इसे बोला पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस करने से जो F1 जनरेशन आई है वो दोनों के क्रॉस से बनी है, इसलिए इसको हाइब्रिड कह रहे हैं। इसके और इसके क्रॉस से बनी हुई जनरेशन को हाइब्रिड कह रहे हैं, जो टॉल है। अब इस टॉल की मैंने सेल्फ पॉलिनेशन करी है, इस टॉल की मैंने क्या करी है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करी है। सेल्फिंग का मतलब इसी का पॉलन इसी पर डाल दिया, ठीक है, इसी का पॉलन क्या कर दिया, इस पर डाल दिया, समझ लो इस बात को। तो इसका पॉलन इसी पर डाल दिया तो मेरे पास क्या आ गया, टॉल आ गया। टॉल आने के बाद मैंने क्या करी, सेल्फिंग, और मेरे पास क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई। मेरे पास क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई। तो मेरे पास क्या है यहां पर, मेरे पास क्या है, टॉल और ड्वार्फ है। यहां सेल्फिंग करी, इसे टॉल ड्वार्फ आ गया, ये मेरे पास टॉल है और यहां पर मेरे पास टॉल है, तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है। यहां मैंने क्या करी है, F1 जनरेशन मेरे पास हाइब्रिड है, समझ ध्यान से, देखो इसी को समझो, ये मेरे पास पेरेंटल जनरेशन है, दिस इज पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन की क्रॉस से ये F1 आई है, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन से F2 जनरेशन आई है। आपको पहले सिर्फ क्रॉस समझना है, फिर मैं आप क्या बताऊंगा इसका बेटा, आप पहले आप क्रॉस समझ लो सिंपल। इसको मैं F1 जनरेशन कहता हूं, इसको F2 कहता हूं। F1 और F2 आप समझ लो, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, प्रॉपर टर्म है हमारे पास, हम लोग ग्रीक में यूज कर सकते हैं, फिलियल 1 या फिलियल 2 ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो F1 जनरेशन में टॉल है और F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ है। इतनी चीज समझ आ गई, ओके लिखो आगे चल रहे, ठीक है। क्या कर रहे हो यार, कुछ भी लिखे जा रहे कमेंट्स में, जल्दी बताओ, इतना आगे समझ में, आगे कर रहे बेटा, इतना ठीक है। पहले मैं बेटा, सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इतना समझ आ गया। पहले बताओ हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों के बीच का हाइब्रिड, मतलब दोनों के बीच का क्रॉस। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने कहा है कि जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम मेंडल था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, प्योर टॉल को क्रॉस कराया प्योर डॉट से, तो मेरे पास क्या आ गया, टॉल आ गया। टॉल जो है मेरे पास F1 जनरेशन है, जिसे हाइब्रिड कह रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास फिलियल 1 है, तो मेरे पास टॉल और डॉट, इसे हम F2 जनरेशन कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं, F2 जनरेशन कह रहे हैं, क्लियर है, यहां तक क्लियर बेटा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, दो मिनट रुक जाओ, चैट रोक लो। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने 4 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप कहा था कि पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लो, तो मैंने ठीक है दो पेरेंट्स सिलेक्ट कर लिए, टॉल ले लिया और ड्वार्फ, इनके बीच में क्रॉस कराऊंगा। दूसरा मैंने आपका क्रॉस करा दिया, अब मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट ऑफ क्रॉस क्या है। अब रिजल्ट ऑफ क्रॉस बहुत ध्यान से सुनना, तभी आपको उसका इन्फ्रेंस समझ आएगा। इन्फ्रेंस होता है निष्कर्ष, आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, मतलब क्या फाइनली इन्फ्रेंस निकालते हो, निष्कर्ष होता है। तो रिजल्ट अलग होता है, उससे कुछ बात इंटरप्रेट करते हो, कुछ मीनिंग निकालते हो, वही आएगा। अब आप रिजल्ट सुनो ध्यान से, तो आपको मजा आएगा चीजें सुनकर। देखो क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, देखो ये आपके पास, ध्यान सुनना, ये आपके पास देखो ये क्रॉस का रिजल्ट है। देखो मैं क्या बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनो, सोचना मेंडल कैसे सोच रहा था। मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो मेंडल ने कहा, मेंडल ने क्या कहा रिजल्ट में, मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन मतलब ये टॉल, F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है। अब समझना ध्यान से, पहला रिजल्ट क्या है, रिजल्ट अगर मैं बात करता हूं, F1 जनरेशन रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, पहला रिजल्ट, F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक से मैच कर रही है, F1 जनरेशन। दूसरा ध्यान सुनना, दूसरा रिजल्ट, F2 जनरेशन, समझना, F2 जनरेशन जो है वो इन दोनों, ध्यान सुनिए बेटा, F1 जनरेशन रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेयर पेरेंट, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है F2 जनरेशन दोनों पेरेंट से मैच कर रही है, मतलब F2 में टॉल भी है डॉट भी है, F1 में सिर्फ टॉल है। तीसरा रिजल्ट, F2 जनरेशन में टॉल, हर 3 प्लांट टॉल है और हर 1 प्लांट ड्वार्फ है। मान लो टोटल 4000 प्लांट आए, मान लो टोटल आपके पास 4000 प्लांट आए होते, तो 2995 प्लांट मान लो टॉल होते, और मेरे पास 1005 प्लांट क्या होते, मेरे पास 2995 ये टॉल होते और ये मेरे पास क्या होते, ड्वार्फ होते। तो मैं कहता ना कि टॉल और ड्वार्फ मेरा 3:1 की रेशियो में अनुपात में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो रिजल्ट आप उसको ऐसे देखो, F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा है, F2 जनरेशन ये है जो दोनों पेरेंट से मैच कर रहा है, और F2 जनरेशन में कोई एक प्रोजेनी, कोई एक ऑफस्प्रिंग ज्यादा है और वो 3 है और दूसरे वाला 1 है, ये मेरे पास रिजल्ट है। और मैं इस रिजल्ट को आपको NCERT में भी शो करूंगा, कहां दे रखा है, NCERT में भी शो करूंगा। तो रिजल्ट क्या आया, सुन ले ध्यान से बेटा, आप लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिजल्ट आ गया यहां पर मेंडल के क्रॉस का, वो रिजल्ट ये है, क्योंकि हमें मेंडल के क्रॉस को समझना है। F1 जनरेशन रिजेंबल किसी एक से मैच कर रहे हैं, रिजेंबल आइदर, टॉल है ना, आइदर ऑफ द पेरेंट, F1 जनरेशन किसी एक से मैच कर रही है। फिर हम ये लिख रहे हैं F2 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, F2 जनरेशन रिजेंबल करता है बोथ पेरेंट से, ठीक है। थर्ड हम लिख रहे हैं इन F2 जनरेशन ठीक है, इन F2 जनरेशन हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना, इन F2 जनरेशन हमारे पास क्या है, समझना ध्यान से, F1 जनरेशन रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, F2 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, इन F2 जनरेशन एनी वन ऑफस्प्रिंग, कोई भी जो ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा है, मतलब जैसे टॉल है, मोर इन नंबर, वो ज्यादा है। ये रिजल्ट समझ में आया, पहले बताओ ये रिजल्ट समझ में आया, तो मैं आपको फिर आगे की बात समझाओ, क्लियर, यहां तक समझ आ गया, जल्दी बताओ, आगे चले फटाफट से, जल्दी कर बेटा, जल्दी करो, जल्दी फास्ट बेटा, 1:2:1 वो सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिंपल जो मेंडल ने काम किया तो वही पा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको फिनोटाइप, जीनोटाइप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अभी तो मैंने जो मेंडल ने काम किया वो बताया सिर्फ, मैंने ही बताया कि मेंडल के हिसाब से जो रिजल्ट है वो ये थे। ये रिजल्ट समझ में आ गया तो बताओ आगे चल रहे, ठीक है। आपकी NCERT कहां ये बात कहती है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपकी NCERT कहती है, देखो ये कहती है, ये देखो ये एक लाइनें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट एंड नन वर ड्वार्फ, ठीक है। ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, यहां लिखा ये लाइन, उसके बाद ये लिखा है मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द F1 प्लांट और उसको क्या मिला, फिलियल 2 जनरेशन वर ड्वार्फ, उसमें से कुछ ड्वार्फ भी थे, सम ऑफ द ड्वार्फ, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 दोबारा से दिखा, मतलब F1 में ड्वार्फ नहीं दिखा, वो दोबारा से दिखा। ये वो लाइनें हैं जो रिजल्ट की NCERT ने मेंडल की लिखी है, क्लियर है। अब यहां से जाएंगे, ठीक है, मेंडल क्या सोच रहा था बेटा, अभी तक मैंने कोई ऐसा वो नहीं बताया, अभी तक सिर्फ ये बताया कि मेंडल को क्या रिजल्ट मिले। अब हम उस रिजल्ट का जरा इन्फ्रेंस निकालते हैं, ध्यान सुनो, उस रिजल्ट का एक बार इन्फ्रेंस निकालते हैं, और अगर आप में से ये इन्फ्रेंस समझ गए तो आपको आधी बातें समझ आ जाएंगी। इन्फ्रेंस समझो आप एकदम म्यूट करके, रिजेंबल मतलब मिलना बेटा, रिजेंबल मतलब मिलता है, ठीक है, क्लियर। मैं रिपीट करूंगा, NCERT में लिखा हुआ है F1 जनरेशन जो है वो रिजेंबल मिलता है दोनों में से किसी एक पेरेंट से, क्योंकि टॉल है। F2 जनरेशन किससे मिलता है,
F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक से मिलता है, F2 जनरेशन दोनों से मिलता है, समझो ध्यान से, F1 जनरेशन किसी एक से मिलता है, F1 जनरेशन किसी एक से मिलता है, F2 दोनों से मिलता है, और कोई एक ज्यादा है और कोई एमएनसीटी कैरियर है, जो F1 में आया नहीं था, कौन नहीं आया था, ड्वार्फ नहीं आया था, वो F2 में आ गया, ये कहती है। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है, रिजेंबल कह रहा हूं, मिल गया, अभी पूछ रहे हो कि लास्ट लाइन मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा देख नहीं रहे आप लोग, मैं ये कह रहा हूं कि F2 जनरेशन एनी वन ऑफस्प्रिंग इज मोर इन नंबर, कोई एक ज्यादा है नंबर में, आगे आ जाओ जल्दी से, इन्फ्रेंस देखो पहले, देखो पहले मैं आपसे क्या बात बता रहा हूं, देखो मेंडल जब अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, आपको सारा समझ आ जाएगा, देखो मेंडल जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि क्रोमोसोम कुछ होता है, मेंडल को ऐसा कुछ भी नहीं पता था, उनको ये पता था कि यार गैमेट वैमेट बनते होंगे, पर ये कुछ आइडिया नहीं था क्रोमोसोम कुछ होता है, मेंडल ने सिर्फ प्लांट को लेकर कुछ अपने दिमाग में कुछ चीजें बनाई, और वो चीजें क्या थी, उसको कैसा फील हो रहा था, मेंडल को अपने क्रॉस को देखकर उसने क्या मतलब निकाले, क्योंकि रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, मेंडल ने ये काम टॉल और ड्वार्फ के साथ किया, यही एक्सपेरिमेंट राउंड और रिंकल के साथ किया, तो उनको यही रिजल्ट मिल रहे थे, जब राउंड को वो रिंकल के साथ क्रॉस कर रहे थे तो F1 में राउंड आ रहा था, इसका मतलब राउंड राउंड जो है हम दोनों पेरेंट में से किसी एक से मिल रहा है, और फिर जब उसकी सेल्फिंग कर रहे थे तो राउंड और रिंकल आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि राउंड भी आ रहा है, रिंकल भी आ रहा है, कोई एक ज्यादा था, राउंड ज्यादा था क्योंकि डोमिनेंट, वो अब हम जानते हैं, लेकिन मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त उनको कोई क्रोमोसोम का ज्ञान नहीं था, अगर मैं कहता हूं क्रोमोसोम का ज्ञान नहीं था तो मेंडल क्या सोच रहे थे उस वक्त, जरा देखते हैं उनके दिमाग में जाते हैं और सोचते हैं कि यार वो क्या सोच रहे थे, देखो वो क्या सोच रहे थे, ध्यान से सुनना, अगर मेंडल टॉल प्लांट लिख रहे हैं, ये टॉल लिख रहे हैं, ये टॉल यहां लिख रहा हूं, इसको क्रॉस करा रहा हूं, मान लो ड्वार्फ से, ये ड्वार्फ से क्रॉस करा रहा हूं, तो मेंडल को पता कैसा लग रहा था, मेंडल को ऐसा लग रहा था कि इस टॉल के अंदर कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, ये दो है बल्कि, और ड्वार्फ के अंदर कुछ ऐसा है जो दो है, आप समझो ध्यान से, ऐसे मेंडल को ये लग रहा था, मेंडल एक्चुअल में बेटा आप समझना इस बात को ध्यान से, मेंडल जो थे, मैं यहां पे थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ आए चीजें, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे टॉल लिख दिया, तो मैं डायग्राम ना बना के सीधे टॉल लिख रहा हूं, यहां ड्वार्फ लिख रहा हूं, इनके बीच में क्रॉस कराया था, ये पेरेंटल थे, ठीक है, ये पेरेंटल थे, मैं यहां पर कह रहा हूं कि मेंडल को ऐसा कुछ फील हो रहा था कि टॉल के अंदर ऐसी कोई चीज है और ड्वार्फ के अंदर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ड्वार्फ के अंदर है, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट आया टॉल आया, ठीक है, रिजल्ट क्या आया, टॉल आया हमारे पास, रिजल्ट टॉल आया, देखो ये टॉल आया, और इन दोनों में से ये एक एक इसके अंदर आ गया, एक ये आ गया इसके अंदर, और यहां से बेटा ये चीज आ गई, यहां से ये चीज आ गई, फिर क्या करी हमने, सेल्फिंग करी, सेल्फिंग आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं, हमने क्या करिए बेटा, सेल्फिंग करी है, सेल्फिंग, दिस इज सेल्फिंग, ये हमने यहां सेल्फिंग करी है, तो हमने क्या किया, ये टॉल लिखा है, ये ड्वार्फ लिखा है, फिर हमने ऐसे क्या लिखा है, टॉल लिखा है, क्लियर है, अब आप समझना ध्यान से, सेल्फिंग करी, तो हमारे पास टॉल आ गए, हमारे पास टॉल में लिखा हूं, देखना समझना ध्यान से, और मैं ऐसे ड्वार्फ लिख रहा हूं, तो मेंडल को ऐसा फील हो रहा था, देखना मेंडल को क्या दिख रहा था, अभी पहले मैं ये ड्रॉ कर दूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए मेंडल को क्या दिख रहा था, अब आ जाओ जो मैंने बनाए हैं कुछ स्ट्रक्चर बनाए, देखो मेंडल ने कहा, मेंडल ने कहा, ध्यान सुनो, मेंडल को क्या समझ रहा था, मेंडल ने कहा यार ये टॉल और जो ड्वार्फ है ना, ये कोई ऐसी यूनिट है, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर बनाया ना, ये कोई यूनिट है जो कंट्रोल करती है, मतलब टॉल होना और ड्वार्फ होना, बहुत ध्यान सुनना, मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था, मेंडल अपने दिमाग में ये सोच रहा था या सोच रहे थे कि ये जो टॉल है इसके अंदर कोई यूनिट होती है, ये यूनिट है, ये क्या है मेरे पास, यूनिट है, ये यूनिट है जो ट्रेड कंट्रोल करती है, मेंडल अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि हमारे पास इस टॉल प्लांट में, इस टॉल प्लांट में ये यूनिट है, ये मेरे पास कुछ यूनिट है जिनको हम क्रोमोसोम नहीं कह रहे हैं, एक यूनिट है जो कोई ट्रेड कंट्रोल करती है, जो मेंडल के साथ, मेंडल को नहीं पता कहां है, बस वो ये सोच रहे थे कि टॉल प्लांट में ये यूनिट है जो टॉलनेस कंट्रोल करती है, वो पेयर में होती है, इसको मेंडल ने क्या नाम दिया था, इसको मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया था, तो मेंडल ऐसा सोच रहे थे कि भाई जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट है उनके अंदर फैक्टर नामक एक यूनिट होती है जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस कंट्रोल करती है, समझो ध्यान से, उन्होंने सोचा कि जब मैं इन दोनों को क्रॉस कराता हूं तो ये टॉल आ गया, अगर टॉल के अंदर बाद में ड्वार्फ आ रहा है इसका मतलब ये जोड़े में होना चाहिए, जोड़े में क्यों होगा, आप सोचो खुद से, अगर मेरे पास ये वाला टॉल है, समझो ध्यान से, हम टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे हैं, टॉल के अंदर मेंडल के दिमाग में ये बैठा कि यार कुछ एक यूनिट होती है, यूनिट समझ में आ रहा है, एक ऐसे मान लो कोई कलर का टुकड़ा दिखा दिया, ये एक यूनिट है, ये यूनिट वो है जो कंट्रोल करती है किसको, ट्रेड को कंट्रोल करती है, टॉल आती है, तो मैंने मेंडल ने कहा कि कुछ ऐसा है भाई जो कंट्रोल करता है, उस कुछ ऐसे को नाम दिया मेंडल ने फैक्टर, मेंडल ने कहा ये फैक्टर जोड़े में होते हैं और जब अलग अलग जोड़े में से अलग अलग आता है तो ये वाला टॉल आ गया, समझो ध्यान से, जोड़े में से अलग अलग आ सकता है और जब इसकी सेल्फिंग करते हैं तो टॉल और ड्वार्फ बनता है, तो मेंडल ने बोला कि देखो भाई ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होगी, उसको नहीं पता था क्रोमोसोम न्यूक्लियस वगैरह, उन्होंने बोला एक यूनिट होगी जिसे मैं क्या बोलूंगा फैक्टर, फैक्टर जोड़े में होगा, F1 जनरेशन में उन जोड़ों में से अलग अलग आ जाएगा, अच्छा अब ये जो अलग अलग आ गया ऐसा तो नहीं है सेमी टॉल आया, इसका मतलब इन जोड़ों में से फैक्टर तो दोनों आ गए पर कोई एक फैक्टर दिख पाया, जैसे ये वाला जोड़ों में से सिर्फ ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर खुद को दिखा पाया, तो मेंडल ने कहा यार ये फैक्टर दिखा पाया, इसका मतलब ये सुपीरियर है, इसको डोमिनेंट बोल दिया, डोमिनेंट कैसे क्यों बोला, क्योंकि जब अलग अलग जोड़े में से पेयर में से अलग अलग आए कोई एक ही खुद को दिखा पाया, तो मेंडल कैसे बात कर रहे थे, देखो मेंडल का रिजल्ट आया F1 जनरेशन किसी दोनों पेरेंट से किसी एक से मिल रहा है, इसका मतलब उस पेरेंट में से कोई फैक्टर गया होगा इसमें, दूसरा F2 जनरेशन में अगर दोनों आ गए, जो यहां पर ड्वार्फ आया नहीं, यहां पर ड्वार्फ आया नहीं लेकिन यहां ड्वार्फ कैसे आ गया, इसका मतलब इसके अंदर कहीं ड्वार्फ छुपा हुआ था, तो मेंडल ने कहा कि भाई देखो कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होती है जिसे फैक्टर कहते हैं, फैक्टर हमारे पास जोड़े में होता है, ये जब अलग अलग जोड़े में होता है तो उसमें से कोई एक फैक्टर खुद को दिखा पाता है जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जब ध्यान से सुनो बेटा डोमिनेंट कहते हैं, आप समझो इस बात को, और हमारे पास दूसरे वाले को रिसेसिव कहते हैं, तो मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर हमारे पास पेयर में होता है, और अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर हो, डिसिमिलर का मतलब एक ये है और एक ये है, अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर हो तो कोई एक अपने आप को दिखा पाएगा, मेंडल को कैपिटल टी स्मॉल टी सिंबल बाद में दिया, वो अपने दिमाग में तो ये अज्यूम कर रहे थे या कुछ तो है, तो उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर, बट इस फैक्टर फैक्टर एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, फैक्टर क्या है बेटा मेरे पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, तो मैं जो लाइनें बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है, फिर मैं रिपीट करूंगा, बताना मुझे जो नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेंडल ने जब रिजल्ट आ गए तो उससे क्या मतलब निकाला, मेंडल ने कहा देखो भैया ये टॉल भी आ रहा है, ड्वार्फ भी आ रहा है, F1 में टॉल आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहां से कैरेक्टर यहां गया, इसका मतलब कोई ऐसी चीज होती है जो कैरेक्टर ट्रेड को कंट्रोल करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, फैक्टर नाम देते हैं, फैक्टर हमेशा जोड़े में होता है, अच्छा अब ये वाला आधा टॉल आधा ड्वार्फ भी तो आ सकता था, ये F1 पर ये आया तो नहीं, तो इसका मतलब कोई एक फैक्टर
होता है जो खुद को दिखा पाता है उसे टॉल कहते हैं। आप अगर ध्यान से गिनो यहां टॉल वाले फैक्टर और ड्वार्फ वाले फैक्टर का नंबर बराबर है, लेकिन तीन टॉल और एक ड्वार्फ क्यों आया? क्योंकि मेरे पास क्या है, टॉल डोमिनेंट है। तो हमने कहा, मेंडल ने कहा, देखो भाई कुछ ऐसा होता है फैक्टर, आज हम जानते हैं वो फैक्टर जीन है, पर मेंडल ने उस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब एक ऐसी यूनिट जो किसी ट्रेट को कंट्रोल कर सके, उसे मेंडल ने फैक्टर बोला था। मेंडल ने कहा वो जोड़े में होगा, जोड़े से वो एक पार्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, अगर जोड़े में दोनों अलग अलग होंगे तो एक दिखा पाएगा दूसरा छुप जाएगा, एक को डोमिनेंट बोला दूसरे को रिसेसिव बोला, इसी वजह से तीन और एक का रेशियो आता है, नहीं तो दोनों बराबर आते अगर दोनों खुद को दिखा पा रहे होते। इतनी बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? मेंडल को कैपिटल टी स्मॉल टी तो बाद की बात है, मेंडल को तो फैक्टर दिख रहा था, जल्दी बता दो, मेंडल को ये ऐसा कुछ दिख रहा था क्योंकि क्रोमोसोम तो थे नहीं, तो मेंडल ने बोला कि भाई कोई यूनिट ऑफ इनफ्रेंस लिख रहा हूं, क्लियर बेटा? तो देखो एक बार लाइन लिख दो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो मेंडल ने कहा कि हमारे पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम फैक्टर कह रहे हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल को फैक्टर दिख रहे थे, मेंडल के हिसाब से ये फैक्टर थे बेटा, मेंडल के हिसाब से ये फैक्टर है, आप समझ लो, दिस इज फैक्टर, इसको फैक्टर कह रहा है मेंडल और यही कंट्रोल करता है, क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, सुनना इन्फ्रेंस क्या निकला, मैंने जो इतनी बात समझाई इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूंगा तो मेंडल ने कहा समथिंग, समथिंग समथिंग मतलब कुछ, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, स्टेबली पास्ट का मतलब होता है ये फैक्टर बिना बदले यहां आ गया, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट अनचेंज मैनर, अनचेंज मैनर फ्रॉम, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है? तो समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट फ्रॉम, देख लो समथिंग, समथिंग मतलब कुछ ऐसा है, बीइंग स्टेबली पास्ट, स्टेबली मतलब बिना बदले पास हुआ, अनचेंज मैनर बिना बदले हुए पास हुआ, देखो ये फैक्टर बिना बदले पास हुआ, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इस समथिंग को मेंडल ने क्या नाम दिया, दैट समथिंग इज बेसिकली, गाना नहीं गाना भाई, समथिंग इज इक्वल टू फैक्टर, इस समथिंग को क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। आज हम फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं, नाउ वी नो फैक्टर इज जीन, फैक्टर ही मेरे पास क्या है, जीन है। और अगर मैं देखूं ध्यान से फैक्टर के बारे में, आज आपसे मैं कुछ फीचर्स पूछूं तो मैं कहूंगा बताओ मुझे फीचर बताओ फैक्टर के, तो आप कहोगे फैक्टर इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये ट्रेट कंट्रोल करता है, टॉलनेस डॉटलेस आता है, पहली बात आप कहोगे फैक्टर इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा आप कहोगे कि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में फैक्टर जोड़े में होता है, फैक्टर करिंग पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, कोई एक फैक्टर खुद को दिखा पाता है, आप ये बातें बोलोगे, दूसरा आप ये बोलोगे कि फैक्टर गैमेट बनाते वक्त अलग हो जाता है, ऐसी बातें आप बोलोगे। तो आज हम फैक्टर के बारे में जानते हैं कि फैक्टर जीन है, मेंडल ने उसका नाम फैक्टर रखा था, मेंडल ने कहा कि फैक्टर जो होता है समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, वो समथिंग क्या है बेटा, फैक्टर है, नाउ वी नो फैक्टर इज जीन। तो फैक्टर एक्चुअल में क्या है बेटा, फैक्टर मेरे पास अकरिंग पेयर जोड़े में होगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब एक ऐसी यूनिट है जो क्या कंट्रोल करेगा, इनहेरिटेंस कंट्रोल करेगा, इनहेरिटेंस मतलब टॉलनेस ला देगा, ड्वार्फनेस ला देगा, और डिप्लॉयड में पेयर में होता है, डिप्लॉयड में किसमें होता है, अकरिंग पेयर, डिप्लॉयड में किसमें होता है, अकरिंग पेयर, ठीक है, डिप्लॉयड में पेयर में होता है, तो अकरिंग पेयर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और हम ये बोलेंगे इन डिसिमिलर पेयर, अगर अलग अलग है, डिसिमिलर पेयर अगर अलग अलग पेयर है, समझ रहे हो, डिसिमिलर मतलब ये वाला, इन डिसिमिलर पेयर कोई डोमिनेट, वन फैक्टर डोमिनेट कर सकता है, वन फैक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, इतनी बातें समझ आ गई, ये मेंडल के काम का इन्फ्रेंस था, ऐसी बातें मेंडल ने अपनी अपने नोट्स में लिखी थी, जिसे आज हम लॉस के नाम से जानते हैं, और हम कहते हैं कि मेंडल के अब जो है दो मेन लॉ है इनहेरिटेंस के, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वही इन्फ्रेंस थे जिन्हें लॉ में कन्वर्ट किया गया। इतना आ गया, बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बताऊंगा, जल्दी कहो बेटा, इतना समझ आ गया, जल्दी बताओ बेटा, बेटा डोमिनेंट रिसेसिव जीन कैसे बनती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं मेंडल ने जो काम किया उसे क्या दिख रहा था। मैं रिपीट करूंगा बेटा एक बार आपके लिए, बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत लगी फील हुआ, मैं रिपीट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि मेंडल को तो ऐसी चीज दिख रही थी जिसे वो फैक्टर कह रहा था। मेंडल ने कहा कि जो भी कैरेक्टर होता है जैसे टॉल और ड्वार्फ, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फैक्टर चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर है, फैक्टर, फैक्टर क्या है, फैक्टर, देखो क्या ये दोनों फैक्टर मिक्स हो गए, मिक्सिंग हुई इनकी, नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे हमें F2 में मिले, तो फैक्टर की मिक्सिंग नहीं होती है, अब देखो फैक्टर मिक्स नहीं होती है, कुछ प्रॉपर्टी बताई मैंने फैक्टर की, क्लियर बेटा, डिप्लॉयड मतलब हमारे सेल्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, अपने रिजल्ट को लिखा, जिसे हम आज लॉ के बारे में जानते हैं, और एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आप ये समझ पाओ तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये लाइन एनसीईआरटी की जो आप यहां से आज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, देखो ये लाइन है बेटा एनसीईआरटी की, ये जो लाइन है आज इसको समझ पाओगे आज आप, देखो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मतलब जो मेंडल के पास रिजल्ट आए उससे उसने क्या मतलब निकाला, मेंडल ने प्रपोज किया दैट, देखो क्या प्रपोज किया मेंडल ने, क्या बोला मेंडल ने, बोला मेंडल ने क्या प्रपोज किया, ये देखो समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ट, कुछ ऐसा है स्टेबली पास्ट होता है अनचेंज मैनर में, कहां से, पेरेंट टू प्रोजेनी या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट, तो कुछ ऐसा है जो पेरेंट से बच्चे में जाता है बिना बदले, हम इसकी बात करें बेटा, ये देखो हम इसकी बात करें, अगर आप समझ पाओ उस समथिंग में जो बात करें, इसकी बात करें बेटा, देखो हम इसकी बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम इसकी बात करें, ये देखो ये बिना बदले हुए, ये देख रहे हो बिना बदले हुए, ये ऐसे का ऐसा, बिना चेंज हुए ये ऐसे का ऐसा मेरे पास पास हो गया, ये चीज ऐसी की ऐसी अगली जनरेशन में पास हो गई, आप देख पा रहे हो, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कुछ ऐसा है जो पेरेंट से प्रोजेनी में बिना बदले गया, ठीक है। अभी आ रहे बेटा अलील वगैरह तो बताया नहीं, अभी से फैक्टर बताया, अलील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सारी जानकारी समय आने पर सही से दी जाएगी आपको, ठीक है, ये देख लो। और मेंडल ने उसे क्या नाम दिया, मेंडल ने उस समथिंग को क्या नाम दिया बेटा, मेंडल ने ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर, उन्होंने उसे क्या नाम दिया, फैक्टर दिया। नाउडेज हम क्या जानते हैं बेटा, नाउडेज वी कॉल देम एज जीन, हम उन्हें जीन जानते हैं और उसे हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। आइए समझ, अभी मैंने बेटा सिर्फ फैक्टर और जीन के बारे में बोला, मैंने अलील तो पढ़ा नहीं, अलील नहीं पढ़ा बेटा, अभी यहां तक समझ आ गया, पहले बताओ बस, इतना समझना, नीचे वाली बात नहीं करनी अभी, यहां तक बताओ, लॉ भी नहीं पढ़ा अभी, तो अभी तो लॉ नहीं पढ़ा, क्रॉस पढ़ाऊंगा उसके बाद लॉ पढ़ाऊं, पर लॉ का बेस बना दिया कि मेंडल ने जो लॉ देने थे वो क्या थे, क्लियर बेटा, मेंडल ने किसी को प्रपोज नहीं किया, मेंडल ने लॉ दिया यार, प्रपोज का मतलब बात कहना, ठीक है। अरे यहां तक समझ आ गया, जल्दी बताओ, अब आओ एकदम फटाफट से अगली कहानी पे आओ, ठीक है। हाँ
बेटा मैंने अभी आपको फैक्टर बताया, अभी तो मैंने एलील की बात नहीं करी, अभी तो देखो आपको क्या क्या पढ़ा दूंगा मैं इसमें। चलो आ जाओ आगे से, अब देखो इसमें बेटा क्या देखते हैं हम लोग, कहानी आ गई, कहानी क्या है। अब हमने मेंडल के इन्फ्लुएंस डाल लिया, देखो मेंडल ने जो सबसे पहले क्रॉस कराया और जिसमें लॉज आए उसे मोनोहाइड्रेट क्रॉस कहा हमने। मेंडल का पहला क्रॉस होता वो एक मोनोहाइड्रेट क्रॉस था, हम नॉर्मल क्रॉस बना रहे हैं जो मेंडल ने किया उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मेंडल ने जो क्रॉस कराया बेटा वो कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कराया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे, दो मिनट बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपने मेंडल के बारे में कुछ कुछ बातें तो जान ली, आज अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे जो किया गया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं इसमें, आप ध्यान से सुनते चलिए। देखिए हमारे पास एक टॉल है, तो मेंडल ने क्या किया, टॉल को सिंबल दिया है कैपिटल से। देखो सिंबल कैसे दिया जाता है, टॉल को लिखने के लिए कैपिटल टी लिखा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, अगर जिन बच्चों को इसमें डाउट है एक परसेंट भी, तो पहले ये देख लो जल्दी से। हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, जैसे कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो इस सेल पर मेरे पास ये क्रोमोसोम है, तो मान लो क्रोमोसोम ऐसे पेयर में है, क्रोमोसोम मेरे पास ऐसे पेयर में है, तो अगर मैं यहां पर कैपिटल टी लिख रहा हूं जीन, तो यहां पर हो सकता है मैं स्मॉल टी लिख दूं, तो मैं अगर हैप्लॉइड की बात करूंगा तो फिर मैं ये नहीं बनाऊंगा, ये हैप्लॉइड में होगा। मान लो यहां मैं कैपिटल आर लिख दूं, डिप्लॉइड का मतलब है मेरे पास उसी लोकेशन पर दो फैक्टर होंगे, जैसे यहां पर मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कि मैंने अगर कैपिटल टी लिखा और यहां स्मॉल टी लिखा, अगर किसी एक कैरेक्टर के दो फैक्टर है, कैरेक्टर का नाम क्या है, कैरेक्टर का नाम है प्लांट हाइट, अगर उसके मेरे पास दो फैक्टर हैं, कौन से दो फैक्टर, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, या ये है, तो इसे डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड का मतलब समझ लो, या तो यहां कैपिटल टी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो, स्मॉल टी स्मॉल टी हो, मतलब हम कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर के अगर दो फैक्टर हैं तो उसे डिप्लॉइड कहते हैं, और अगर एक सिंगल फैक्टर हो, सिंगल फैक्टर का मतलब अगर आपको सिर्फ कैपिटल टी लिखा हुआ है या स्मॉल टी अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब हम कह रहे हैं कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हमने कहा इफ फॉर एनी कैरेक्टर लाइक प्लांट हाइट, अगर दो फैक्टर हो, चाहे ये हो या ये हो, तो इसे डिप्लॉइड कहेंगे। अगर सिंगल फैक्टर हो, या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो उसे हैप्लॉइड बोलेंगे। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब समझ लो पहले फैक्टर के टर्म्स में। अब चले आगे, फटाफट से बताओ बोलो बेटा, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया, चले आगे जल्दी से बेटा, है ना। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मीनिंग तो बताना था आपको, ठीक है बेटा। देखो जेनेटिक्स पढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है और पढ़ना भी मुश्किल काम है, जब साथ मिलकर पढ़ेंगे तो आसान होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। और मेरा भी मतलब ये पूरा 100% मैं बिल्कुल हूं, आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए चीजें समझा के छोड़ूंगा, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, कहानी आ जाओ यार, आगे तो कहानी बहुत है अभी, आ जाओ आ जाओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टॉल और ड्वार्फ, तो अगर मैं टॉल को क्रॉस करा रहा हूं ड्वार्फ से, टॉल को क्रॉस करा रहा हूं, देखो बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो दिस इज टॉल और ये ड्वार्फ है, इनके बीच में क्रॉस कराने का मतलब इसका पोलन दूसरे पे ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है यार, बन सके नहीं भाई, ये सही से समझा मैंने, ध्यान सुन लो। अब इसको मैंने क्या बोला है, पेरेंटल, इसको मैंने क्या बोला बेटा, पेरेंटल बोला, पेरेंट्स बोला। अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या किया समझना ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया, ये टॉल और ड्वार्फ है, इसमें मेरे पास मैंने क्या किया बेटा, इसमें मेरे पास टॉल आ गया, तो टॉल में अगर मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं, देखो यहां से आप पहली इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, पहली इन्फॉर्मेशन देखो, अगर मैं टॉल लिख रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं, दोनों में क्या फर्क है, सोचना ध्यान से, मैं टॉल लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं, क्या फर्क है, ये टॉल का मतलब है प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से ये प्लांट कैसा दिखता है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, तो इसे मैं नाम देता हूं फीनोटाइप। फीनोटाइप का मतलब होता है कि कैसा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं किसी को ऐसे लिख दूं तो ये उसके जीन्स बता दी मैंने कि होमोजाइगस है हेटरोजाइगस है, इसे जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप का मतलब उसके अंदर फैक्टर कैसे हैं, पेयर में हैं और किस तरीके के हैं। तो फीनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब समझो, मान लो मैंने टॉल शब्द का प्रयोग किया, तो टॉल वर्ड इज फीनोटाइप और उसके नीचे अगर मैंने ये लिखा तो ये इसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब मैं बता रहा हूं कि वो प्योर है, कैपिटल टी है। ऐसे ही मैंने अगर ये स्मॉल टी लिखा है तो ये इसका जीनोटाइप है, यहां मैं इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहा हूं, ये मेरे पास इसका जीनोटाइप है। यहां तक समझ में आ रही भाई, क्लियर, अभी सब पढ़ेंगे बेटा, रेशियो सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, आ रहे हैं बस, ठीक है, क्लियर। अब फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप टॉल हो, दैट इज फिनोटाइप, और अगर मैं आपकी जीन्स के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज जीनोटाइप। अगर मैं कहता हूं कि ये बिल्ली ब्लैक है, तो मैं कह रहा हूं दैट इज फिनोटाइप, और मैं लिख रहा हूं कैपिटल बी स्मॉल बी, दैट इज जीनोटाइप, ठीक है, क्लियर, बहुत सही। अब आ जाओ भाई, देखो बेटा, अब टॉल ड्वार्फ, टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, क्लियर। हां, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सेल्फिंग करी, इस जनरेशन को मैंने क्या बोला था, पेरेंटल, पेरेंटल का मतलब होता है पेरेंट, ठीक है। इस जनरेशन को मैंने क्या बोला, F1, F1। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन वन, नंबर ऑफ, अच्छा चलो क्वेश्चन अगले पेज पे पूछेंगे, पहले इसको लिख दूं मैं, ताकि आपको सारा समझ आने लग जाए। F1 का मैंने सेल्फिंग करी, बट ये सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन करी। अब जरा देखना सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये प्लांट है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करेंगे, ये प्लांट है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसका जीनोटाइप है। मैं कहता हूं कि इससे गैमेट कैसे बनेंगे, आपसे अगर पूछूं तो गैमेट, मैंने कहा था फैक्टर में से कोई एक होगा, तो एक गैमेट कैपिटल टी होगा, दूसरा गैमेट स्मॉल टी होगा, ये गैमेट है। ये क्या है, गैमेट है, ये गैमेट ऐसे बनेंगे, गैमेट का मतलब पोलन हो सकता है। तो ये मेरे पास प्लांट है बेटा, प्लांट का मतलब डिप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड से आप गैमेट बनाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। आप ऐसे ही प्लांट से इसको क्रॉस करा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ऐसे गैमेट्स वालों को ऐसे ही गैमेट्स वाले से आप क्रॉस करा रहे हो। फिर से देखो सेल्फिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट है टॉल, इससे मैं कहता हूं अगर मैं सिंगल फैक्टर लिखता हूं तो मैं कहता हूं गैमेट लिख रहा हूं, मैं अगर फैक्टर जोड़े में लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूं। तो मैंने फैक्टर अलग अलग लिखा, तो मैंने कहा कि ये प्लांट दो प्रकार के गैमेट बनाता है। अब मैं इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेल्फिंग का क्या अर्थ हुआ, सेल्फिंग का ये मीनिंग होता है, आप अगर समझ पाओ, देखो बेटा, देखो मैं कह रहा हूं कि ये एक प्लांट है, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, तो टॉल होना इसका फीनोटाइप है, ये F1 की बात कर रहा हूं, और ये इसका जीनोटाइप है, और ये कौन सी जनरेशन है, F1 वाले की सेल्फिंग होती है। सेल्फिंग का मतलब ऐसे ही प्लांट से क्रॉस कराते हैं, ये सेल्फिंग हो रही है।
दिस इज सेल्फिंग, इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ इसके कितने गैमेट बनेंगे, तो आप कहोगे देखो भाई गैमेट का अर्थ होता है कि जोड़े में नहीं होना, अलग अलग होना, तो इससे एक गैमेट ये बन जाएगा और एक गैमेट ये बन जाएगा। इससे कितने गैमेट बनेंगे, इससे गैमेट बनेगा एक ये और एक ये। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मेरे पास पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग आएगी। तो ये F1 जनरेशन है बेटा, और ये मैं जो कर रहा हूं ये सेल्फिंग कर रहा हूं, सेल्फिंग कर रहा हूं। तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे ही तो लिखूंगा, कैसे लिखूंगा समझना, देखना ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो रिजल्ट कैसे लिख रहा हूं, कुछ आ रहा समझ? अभीर बनर्जी कोता ठीक है मत लिख बेटा, है ना, बंगला का प्रयोग मत कर, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना फिर से। मैं ये कह रहा हूं बेटा देखो, ये पेरेंटल है, पेरेंटल टॉल है, इसको क्रॉस कराया ड्वार्फ से, टॉल को क्रॉस कराया ड्वार्फ से, तो मेरे पास टॉल आया, F1 जनरेशन टॉल आ गया। टॉल की सेल्फिंग करी, टॉल की हमने क्या करी, सेल्फिंग करी। सेल्फिंग का अर्थ समझो, सेल्फिंग का मतलब ये है बेटा, सेल्फिंग का मतलब ये है कि आपके पास ये प्लांट है। देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब आप इन दोनों प्लांट को क्रॉस करा रहे हो, इन दोनों प्लांट को क्रॉस करा रहे हो, दोनों प्लांट टॉल है, ये दोनों प्लांट टॉल है, तो ये टॉल प्लांट है, दिस इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी टॉल है, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी है, सेल्फिंग हो रही है, सेल्फिंग का ये मतलब होता है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसके गैमेट लिखो क्या आएगा, इसके गैमेट आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो गैमेट इसके आ गए। इसके कितने टाइप के आएंगे, दो टाइप के। अब क्या होता है समझो, ये पॉलन है और ये एग है, ये इसके देखो मेरी बात समझना ध्यान से, इस प्लांट से बनने वाले पॉलन कौन कौन से हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी है, इससे बनने वाले एग कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चांस है कि ये वाला कैपिटल टी इस वाले एग के साथ फर्टिलाइज कर सकता है, इसके बाद भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये एंटर है, इसमें जो पॉलन बने वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं, ये मेरे पास पिस्टिल है, इसमें जो एग बना या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी वाला है, तो ये इससे भी फर्टिलाइज कर सकता है, इससे भी कर सकता है। इसीलिए हम कैसे लिखते हैं इसको समझना ध्यान से, हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको और इसको फर्टिलाइज करके लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को बेटा, हम ऐसे लिखते हैं इसको। देखो हम क्या करते हैं बेटा, इसको और इसको फर्टिलाइज करके लिखते हैं, ऐसे ही इसको और इसको फर्टिलाइज करके यहां लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर इसको और इसको लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहां से फिर इसको और इसको लिखते हैं। आप देखो, तो मैंने इसको और इसको लिखा, देखो ये चीज, तो यहाँ आ गया कैपिटल टी इसको और इसको लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये प्रोबेबिलिटी बनी चार, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बनी। इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो बताओ मुझे जल्दी से बेटा, इसमें डाउट नहीं है, मैं कुछ बेसिक बना रहा हूं जो मैं आप समझाऊंगा आपको, असली चीज को कोई डाउट है पूछो, मैं यहां से आगे चल रहा हूं, ठीक है, हाँ बोलो जल्दी बोलो, समझ आ गया आगे चले। हाँ ये टेंथ में था मान रहा हूं बेटा, तो मैं आपको क्रॉस करके दिखा रहा हूं, कंफ्यूज क्यों हो, सिंपल समझो ना आपको मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको सेल्फिंग करनी है, तो इसके दो गैमेट बने, इसके दो गैमेट बने, इसको इससे क्रॉस करा रहा हूं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप सिंपल देखो क्या किया मैंने, आपको मैंने क्या बोला बेटा, देखो अब मेरे पास क्या आ गया, ये चार आ जाएंगे, देखो मेरे पास ये चार आ गए, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या है टॉल, ये क्या है टॉल, ये क्या है टॉल और ये क्या है ड्वार्फ, ठीक है, क्लियर आ गया मेरे पास, यहां तक समझ आ रहा है, ये इजी है बेटा, ये तो इजी है। अब यहां से समझेंगे आगे, मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ करूंगा ताकि आपको मैं कुछ चीजें जल्दी बता दूं। देखो अब इसका मतलब ये हो गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जल्दी से देखते हैं एक बार, मैंने क्या बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की मैंने, देखो मैंने क्या क्या बोला, मैंने आपको सिंपल ये बताया कि देखो भाई टॉल को क्रॉस, टॉल है उसको क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ से, मेरे पास इससे F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन टॉल आई, टॉल आ गई F1, ठीक है, फिर मैंने क्या करी इसकी सेल्फिंग करी, सेल्फिंग करके मेरे पास टॉल आ गए कितने, टॉल आ गए ध्यान से सुनो बेटा, टॉल आ गए हर तीन में से चार और ड्वार्फ आ गए कितने, हर एक में से चार में से एक। अब मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूं सुनो ध्यान से, पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसको सुनना, ये आगे ये चीज, उसके अलावा ऐसे कितने हैं 1/4, ऐसे कितने हैं 2/4 और ऐसे कितने हैं 1/4। अब ध्यान से सुनना ये क्या है, दिस इज फिनोटाइप, फिनोटाइप एंड दिस इज जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है और ये कौन सी जनरेशन लिख रहा हूं मैं, F2 लिख रहा हूं। अब मैं रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा, जल्दी से देखना, जल्दी से देखना बेटा। अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप इन सवालों के आंसर दे पा रहे हो तो आपके बेसिक्स ठीक है, सुन लो ध्यान से। देखो पहला सवाल नंबर ऑफ फिनोटाइप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए फर्स्ट करके बताना कि फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1, सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ जीनोटाइप इन F1, थर्ड सवाल एक एक करके पूछूंगा मैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2, फोर्थ टाइप ऑफ फिनोटाइप इन F2, फिफ्थ नंबर ऑफ जीनोटाइप इन F2, sixth type of genotype in F2। चलो भाई आ जाओ, सबसे पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट का बताओ पहले, एक एक करके, ये तो रेशियो लगा रहे, पता नहीं किसने पढ़ा दी तुमको रेशियो, दो मिनट शांति तो रखो, तुम्हें पता नहीं कि क्या पढ़ना जेनेटिक्स में अभी तक। फर्स्ट का बताओ भाई, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1 इज सिर्फ टॉल आ रहा है, ठीक है, वन आ गया, और जीनोटाइप सिर्फ क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना गया, तो वन और टू का वन है, वन का भी वन है और टू का भी वन है, मतलब अगर आपसे ध्यान से सुनो बेटा, आपसे पूछा गया है कि F1 जनरेशन में कितने फिनोटाइप आएंगे, ये बना गया, मुझे थ्री का बताओ, फोर का, थ्री और फोर का बता दो, देखिए आपको क्या आता है, थ्री का बताओ पहले, जल्दी बोलो, थ्री का बताओ, थ्री और फोर में क्या फर्क है, चलो थ्री फोर में डिफरेंस बताओ, थ्री फोर में डिफरेंस कुछ पता चल रहा है किसी को, पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं, अच्छा सुनो ध्यान से, छोड़ो थ्री और फोर में तो डिफरेंस है, हाँ ना, तो बोलो, नहीं चिंता नहीं, चलो देखते एक बार, चलो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनो,
सुन लो ध्यान से सुन लो, देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको समझ आ जाएगी। आपको एक बात समझ आ गई तो आधे क्वेश्चन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, सुन ध्यान से, ध्यान सुना। थ्री और फोर का मतलब सेम है, यदि आपसे टाइप या नंबर पूछे, मेरी बात समझो। अगर मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूँ किसी प्लांट, टॉल प्लांट या सेल्फ पॉलिनेशन करो, कितने सीड बनेंगे, 2000, 5000, 10000, 40000, 50000, कितने भी सीड तो कितने भी बन सकते हैं, तो मैं नंबर कैसे निकाल सकता हूँ। नंबर और टाइप एक ही बात होती है, नंबर और टाइप एक ही बात होती है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 इज 2, 1 और 2, टॉल और ड्वार्फ। तो कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप है F2 में, 2। टाइप कितने हैं, 2। नंबर और टाइप सेम चीज होती है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर एंड टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो कितने टाइप हैं जीनोटाइप के, 1, 2, 3, यही नंबर होता है और यही टाइप होता है, अलग अलग नहीं होता। बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है इसको काउंट करना है 4, 1 ये होगा, 2 ये होगा, नहीं। जब भी आपसे नंबर और टाइप ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछे, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप की मेरे पास कितनी टाइप होगी, 2, और मेरे पास जीनोटाइप की भी कितनी, सॉरी जीनोटाइप 3, 3 कैसे, 1, 2, 3। यहां तक समझ आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो हजारों में होते हैं। जब हम नंबर, देखो तो मैं निकाल नहीं सकता ना, किसी प्लांट में कितने बीज आएंगे मुझे कैसे पता, पर जब मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो मैं टाइप पूछ रहा हूं। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप दो तरह के प्लांट आएंगे, टॉल और ड्वार्फ। और मैं अगर इसमें बात कर रहा हूं किसकी, जीनोटाइप की, तो कितने टाइप के जीनोटाइप आ रहे हैं, अगर मैं लिख रहा हूं तो कैपिटल टी, कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आ गया। समझ आया नहीं आया, नहीं डिफरेंस है बेटा, नंबर और टाइप सेम होता है, समझ लो ध्यान से। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है गिव नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो आप क्या करोगे, आपके सामने आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे इसका, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपको मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा इन अ क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड, मैं लिख रहा हूं प्योर राउंड एंड प्योर रिंकल्ड सीड, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो आप खुद से देखो जरा जल्दी से, प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड, पेरेंटल दे दिया आपको, पेरेंटल दे दिया, पेरेंटल में लिख दिया प्योर राउंड, इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, क्रॉस करा रहे प्योर रिंकल्ड से, तो इसका क्या मतलब है, स्मॉल आर स्मॉल आर। इसको क्रॉस कराने के बाद हमने ये लिख दिया भाई, राउंड लिख दिया जो ये है, तो फिनोटाइप F1 में कितना है, F1 में आएगा 1 फिनोटाइप राउंड आ रहा है, F2 में कितने आएंगे, F2 में राउंड भी आएगा और रिंकल भी आएगा, तो F2 में कितने आ गए, 2 आ गए। कैसे करना, समझ आ गया, 3 नहीं लिखने, मैंने फिनोटाइप लिखा, क्या कर रहे हो, फिनोटाइप लिखा F1 और F2 में, जीनोटाइप लिखा तो F1 में 1 आता, F2 में 3 आता, ठीक है। जो ये बच्चे लिखेंगे देखो राउंड और रिंकल, अगर मैं आपसे जीनोटाइप पूछूं तो जीनोटाइप में मेरे पास ये आता है F2 में, ये देखो ये आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं ये जीनोटाइप 4 काउंट करोगे, नहीं मैं टाइप काउंट करता हूं, टाइप, टाइप और नंबर एक ही बात होती है, तो मैं ये दोनों एक ही तरह के हैं, 1, 2, 3 जीनोटाइप बनेंगे, समझो बेटा। अगर मैं आपको बेसिक ठीक नहीं करूंगा, आगे के टॉपिक नहीं समझ आने के, मेंडल ने बेसिक ठीक करने के लिए कहा मुझे, कल सपने में आए थे मेंडल जी, उन्होंने कहा कि लक्ष्य नहीं करके बेसिक ठीक करने जेनेटिक्स के, मैं तो कर देंगे भाई, थोड़ा सा समय लगेगा पर करा देंगे, क्लियर है, ठीक है। हाँ, और बोला कुछ मकान बच्चे जो चैट करते हैं क्लास के बीच में है ना, उनको मतलब कभी मटर खाएंगे और खोलेंगे उसका पॉड, खोलेंगे खाली दाना निकलेगा, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से, ऐसा भी बोला उन्होंने, ठीक है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चैट में क्या करूँ, जब मैं प्रिपेयर करूँ, क्लियर बेटा, ठीक है। अब मैं देखो इसको कहाँ लेके जाऊँगा टॉपिक, आप ध्यान सुनना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, देखो ये फिनोटाइप आया से, इसकी वजह से रेशियो आती है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ध्यान सुनो बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था मेरे पास, क्लियर। हाँ, ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा, उसको ये नहीं समझा था कि सर मजाक कर रहे हैं कि सीरियस बोल रहे हैं, सीरियस में मजाक कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक, ठीक है, चलो ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैं कैसे दिखा रहा था, अभी आपको फिर से बताऊं, रिजल्ट से बात करते हैं। टॉल को क्रॉस कराया डॉर्फ से, तो ये तो पेरेंटल हो गए, और पेरेंटल आपको पता है नॉर्मली हम प्योर रखते हैं। फिर मैंने इसकी F1 बनाई, यहां टॉल लिखा, ये F1 लिखा। मैं आपसे कह रहा हूं F1 में जीनोटाइप कितने, आप कहोगे 1, 1 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप कितने, आप कहोगे 1, फिनोटाइप मतलब टॉल, टॉल वर्ड फिनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, जीनोटाइप है। इसकी सेल्फिंग करी, सेल्फिंग में टॉल आ गया, हर 3, 4 में से टॉल है, डॉर्फ कितना है, हर 4 में से 1 डॉर्फ है, तो कितने फिनोटाइप हो गए। फिनोटाइप का मतलब होता है अलग-अलग तरह के प्लांट, नंबर पूछा हूं, नंबर या टाइप एक ही बात है, तो मैंने कहा फिनोटाइप 2 हो गए, एक टॉल और एक ड्वार्फ। अब इनके बीच की रेशियो लिखो, फिनोटिपिक रेशियो, बहुत सारे बच्चे रेशियो लिखकर ये लिखते हैं, समझा ध्यान से, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ गई, मतलब क्या हुआ कि ये फिनोटाइप लिखा है तब रेशियो आई है, रेशियो से फिनोटाइप नहीं लिखते, फिनोटाइप लिखा है तब रेशियो आई है, गड़बड़ नहीं करना। और बहुत सारे बच्चे कोचिंग में जो फॉर्मूले पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ने, मैं बताऊं बिना फॉर्मूले कैसे करते हैं, फॉर्मूले बेटा बनाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि चीजों को आसान किया जाए, फॉर्मूले रटने नहीं होते, समझने होते हैं। आगे देखो, अब मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये 4 में से 1 आएगा, 2 में से 4, सॉरी 4 में से 2, 1 में से 4, तो जीनोटाइप कितने आ गए, जीनोटाइप कितने आ गए भाई बताओ जल्दी से, अरे जीनोटाइप कितने आ गए, 3। और जीनोटिपिक रेशियो मतलब इनके बीच का अनुपात, इनके बीच की रेशियो, दैट इज जीनोटिपिक रेशियो, वो मेरे पास क्या आ गई, 1:2:1। अब एक छोटा सा जादू देखेंगे, और अभी टाइम है क्लास खत्म होने में, बहुत ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसको समझ आ गया ठीक है वो बहुत खुश होगा, जिसको नहीं समझ आया दोबारा बताना पड़ेगा, और कोशिश करना समझने की, ठीक है, कोशिश करना इसको समझने की, क्लियर है, बोलो मेरी बात समझ आ रहा है बेटा, थोड़ा पानी पी लिया एक बार, हाँ ठीक है, जल्द ग्रहण कर लें थोड़ा सा। हाँ बेटा, हम जब आपको कुछ चीजें बताते हैं कि जैसे कोशिश ये रहती है कि हम ये मान के चलते आपको कुछ नहीं आता, अब यहां से कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको समझ आएगी बहुत इजीली, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, पर इतनी बात को एक बार याद कर लो है ना, ठीक है, जल्दी देखना बेटा, ये जो ऑफ लिख रहा है ना बेटा, उसको पिटाई करूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से बच्चे देखेंगे, इतना रिजल्ट याद करो पहले,
ध्यान सुनो बेटा, जो पीपी टाइप के बच्चे पुराने पापी, ठीक है, और एनपी टाइप के बच्चे नए पापी, ये रिजल्ट याद कर लो जल्दी से, अब इसको मैं यूज करूंगा। कोई बात नहीं, आज को जल्दी 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ठीक है, जाते जाते जादू देखते जाओ एक, ठीक है। हाँ हाँ, अरे अमित महाजन वाले सर वाला जादू नहीं दिखा रहा मैं, अपना बायो का अलग वाला है। देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कक्षा 10वीं में डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, और वो कुछ कैसे पढ़ा था, देखो आपने कैसे पढ़ा था, देखो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, कैसे पढ़ा था देखना। आपने लिखा था सबसे पहले टॉल राउंड, ये पेरेंटल है, टॉल राउंड, इसको क्रॉस कराया था ड्वार्फ रिंकल से, और मैंने आपको बताया पेरेंटल प्योर होते हैं, प्योर का मतलब एकदम शुद्ध होते हैं, शुद्ध का मतलब होमोजाइगस, तो टॉल राउंड का मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ड्वार्फ राउंड का मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया तो मेरे पास सिर्फ टॉल राउंड आया, क्या आया, टॉल राउंड आया, ठीक है। टॉल राउंड को कैसे लिखा मैंने, कैपिटल टी के साथ, इसके साथ ये वाला स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी जनरेशन, आप कहोगे भैया भैया F1 है ये, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, ड्वार्फ रिंकल है हमारे पास, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल, ये F1 है। मैं आपसे पूछूं फिनोटाइप बताओ, आप कहोगे सर एक ही फिनोटाइप है, टॉल राउंड। जीनोटाइप पूछूं तो आप कहोगे सर एक ही जीनोटाइप है, एक ही है, एक ही, ठीक है, क्लियर, सही है। हाँ, अरे रुक जाओ यार, पहले पूरी बात को बताने दो, अब आ जाओ जरा, इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं, इसकी जब सेल्फिंग करते थे तो आपको पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था ऐसे कि इसके जो गैमेट्स बनते हैं वो चार बनते हैं, इसके चार तरह के गैमेट्स बनते हैं। देखो गैमेट में कभी भी जोड़े में नहीं होता, सेम बात, देखो कैपिटल टी के साथ आर आ सकता है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी नहीं आ सकता गैमेट में, कैपिटल टी के साथ छोटा आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ये चार टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अगर आप देखो ये गैमेट क्यों है आपको समझ आएगी, किसी में भी दो कैपिटल टी नहीं है और किसी में भी दो कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल दो आर नहीं है, दोनों अलग अलग आप साथ रख सकते हो, मतलब टॉल वाले दोनों या ड्वार्फ वाला कुछ भी साथ नहीं रख सकते, मतलब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी नहीं रख सकते गैमेट में, तो ये चार टाइप के गैमेट बन गए। और आपको कक्षा 10वीं में एक बक्सा बनवाया गया था जिसे हम पुनीट स्क्वायर कहते हैं, पनेट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिस बच्चे को मेरी बातें लगता हो सकता है बार ऐसी बोलते नहीं, आसी पनेट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जैसा कि डार्विन थे और जैसा कि स्किल्टन और शिवान, सेल सेल वाला चैप्टर जाकर पढ़ना और देखना उसमें से कौन हमारे पास शिवान जो थे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक बक्सा बना के दिया था और ये मेंडल के टाइम पे नहीं दिया था, ये जो बक्सा बना के दिया इसका नाम पनेट स्क्वायर रखा गया। इस बक्से में इस साइड गैमेट लिखे जाते हैं, ऊपर की तरफ गैमेट लिखे जाते हैं ऐसे, और इधर भी गैमेट लिखे जाते हैं दो तरफ, ये क्या हो गया, छोटा लिखना भैया, और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ऐसे गैमेट लिखे जाते हैं। तो टोटल 16 ऑफस्प्रिंग आती हैं और ये F2 जनरेशन है बेटा, 16 ऑफस्प्रिंग आती हैं, और उसमें क्या क्या आता है आपने पढ़ा था, टॉल राउंड आता है 9, ये बक्सा पूरा भरोगे, देखो इसमें कैपिटल, देखो दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसे भरोगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे भरोगे, ठीक है। ये आपने, हां बेटा फिर भी बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, थियोडोरस शिवान जो थे ब्रिटिश थे, डार्विन की तरह से, और आसी पनेट भी ब्रिटिश थे, 2019 या 18 का नीट का क्वेश्चन है, चेक करना जाके, ठीक है, चेकर बोर्ड बोलो चाहे जो बोलो, ऐसे करके बनाओगे तो टॉल राउंड 9 आएंगे, बनाना घर पे पूरा करना है, देखो कैसे करोगे, देखो टी और टी आर आर, तो ऐसे करते हुए पूरा भरोगे, टॉल राउंड 9 आएंगे, टॉल के साथ रिंकल्ड कितने आएंगे 3, ये घर पे आप काम करोगे आपका होमवर्क रहेगा, छुट्टी नहीं होगी, पर फिर हम लिख रहे हैं ड्वार्फ राउंड, ऐसे कितने आएंगे 3, और ड्वार्फ के साथ रिंकल्ड, आप बताना कि सर हाँ मेरे पास यही आया, ये ऐसे 1 आएंगे, ठीक है, जिसे हम 9:3:3:1 की रेशो कहते थे, हम कहते थे 9:3:3:1 के अनुपात में मिलेगा, 9:3:3:1 की रेशो में मिलेगा, ये क्या है बेटा, ऐसा एक बॉक्स बनाते थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था बनाने को, इधर हम गैमेट्स लिखते हैं और बक्से में जीनोटाइप लिखते हैं, फिर उसका फिनोटाइप नीचे लिख देते हैं, क्लियर होगी बात, अब जादू तो देख लो, ये तो ये बात हो गई, ठीक है, क्लियर है, हाँ ये तो वो है, ये तो आम जिंदगी है बेटा, असली कहानी तो आप देखोगे, आप आ जाओ भाई, बहुत सही, ये देखो देखो ये टॉल है, ठीक है, इसको क्रॉस कराया ड्वार्फ से, ध्यान से देखते चलना जो मैं बोलूंगा, ये तो आम जिंदगी हो गई, दूसरे वाली तो देख लो, टॉल क्रॉस कराया ड्वार्फ से, F1 क्या आया था, F1 टॉल आया था, 2 मिनट दो मुझे जादू देखने के लिए, F1 आया था टॉल, फिर इसकी सेल्फिंग करी, ये टॉल आ गया बेटा F1, इसकी सेल्फिंग करी, सेल्फिंग में क्या आए थे, टॉल और ड्वार्फ, किस रेशियो में, 3:4 और 1:4, मैं आपसे पूछूं फिनोटाइप बताओ, आप कहोगे सर जी फिनोटाइप आए थे 2, कितने फिनोटाइप आए थे बताओ, फिनोटाइप कितने आए बेटा, फिनोटाइप आए 2, और ये लिख दिए, जीनोटाइप कितने आए, जीनोटाइप आए 3, यहां तक कोई डाउट, मोनोहाइब्रिड लिखा है, यहां लिखो राउंड और इसको क्रॉस कराओ रिंकल से, ठीक है, देख लो बेटा देख लो, तुम्हारे काम की चीज बता रहा हूं, ऐसा पढ़ा रहा हूं जादू नहीं कह सकते हो तुमसे, राउंड है जो चीज बता रहा हूं उसको देख लो, ये F1 थी, सेल्फिंग करी तो सेल्फिंग में फिनोटाइप इसके भी 2 आ गए, और उसमें राउंड कितने आ गए 3/4, और रिंकल कितने आ गए 1/4, जीनोटाइप ये वाले 1/4 2/4 1/4, यहां तक आपको पता है 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख दिए मैंने 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख दिए, अरे रुक जा भाई जादू स्कैम, अब देखो जा मैं इसके बीच में क्रॉस करा रहा हूं, ड्वार्फ रिंकल्ड इनके बीच में क्रॉस करा रहा हूं, F1 जनरेशन, अब देखो इसकी F1 में टॉल है, इसकी F1 में राउंड है, जब मैंने टॉल और ड्वार्फ को लिया राउंड रिंकल को लिया, ये डायहाइब्रिड लिख रहा हूं, दिस इज डायहाइब्रिड चल रहा है, तो डायहाइब्रिड में मैंने इन दोनों को साथ ले लिया, तो इसकी F1 में क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टॉल राउंड लिख दो, तो यहां मैंने टॉल राउंड लिख दिया, अब आया जादू तो ये देखो आपके पास F2 जनरेशन में अगर आपसे कोई फिनोटाइप पूछे तो आप ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैंने किया है कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अलग अलग बना के मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये चेकर बक्सा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट आएंगे सीधे मल्टीप्लाई करने से, देखो दिखाता हूं आपको कैसे दिखाया मैंने, फिनोटाइप इसके 2 इसके 2 कितने आ गए 4 फिनोटाइप आएंगे, और 4 आप कैसे निकालोगे, देखो टॉल को मल्टीप्लाई करो राउंड से, तो पहला आ गया टॉल राउंड, ठीक,
फिर टॉल को मल्टीप्लाई करो रिंकल्ड से। इसका मतलब ये हुआ कि दो मोनो हाइब्रिड को मल्टीप्लाई करके डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट लाया जा सकता है। रिजल्ट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरा देखो, ड्वार्फ राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। तो यहां मेरे पास क्या हुआ, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, 9/16, 3/4 मल्टीप्लाई रिंकल्ड, 3/16, ड्वार्फ को मल्टीप्लाई किया राउंड से, 3/16, 1/16, इसकी रेशियो 9:3:3:1 आएगी। मुझे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा है कि मुझे पता था, ठीक है बेटा। अभी जादू का यूज तो करना सीख लो, अभी तो पूरा जादू सिखाने। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होती नीट के एग्जाम में। आप डायरेक्ट कर सकते हो, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके हम डायहाइब्रिड क्रॉस ला सकते हैं। देखो देखो, अब देखो, ये तो आ गया फिनोटिपिक रेशियो। ये मेरे पास क्या आ गई, फिनोटिपिक रेशियो आ गई, ठीक है। अब जरा जीनोटाइप देख लेते कितने आएंगे। अब मैं अगर मान लो ये बॉक्स बनाऊंगा ना, तो अलग अलग टाइप के जीनोटाइप 9 आते हैं। 9 देखो कैसे ला सकते हैं, देखो जरा, यहां 3 जीनोटाइप है, यहां 3 है, तो यहां जीनोटाइप कितने आ गए, जीनोटाइप आ गए 3 × 3, 9 आ गए, ठीक है। रिपीट करो फिर से। हमने क्या समझाया आपको, हमने कहा कि अगर आपको डायहाइब्रिड में, बात दो मिनट ध्यान से सुनो, अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस आए, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टॉल राउंड को क्रॉस करके ड्वार्फ रिंकल से, F1 में टॉल राउंड आया, आप सेल्फिंग करके 4 गैमेट्स इधर लिखते हो इसके और 4 गैमेट्स इधर लिखके 16 बॉक्स बनाते हो। उसमें आप देखते हो 4 तरह के प्लांट आते हैं, टॉल राउंड 9 आते हैं, डॉट टॉल रिंकल्ड, फिर ड्वार्फ राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, ऐसे रेशियो आती है आपके पास, इस तरीके से रेशियो आती है। ये चीज समझ आ गई। तो ये हम नॉर्मल तरीका है क्रॉस बनाने का, ठीक है, जो हम फॉलो करते आए हैं। और अगर स्कूल का एग्जाम आएगा तो हम ऐसे बनाएंगे पनेट स्क्वायर के साथ। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्ट बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, दो मोनो हाइब्रिड के रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करके डायहाइब्रिड का रिजल्ट ला सकते हो। जैसे F2 जनरेशन में इसमें टॉल ड्वार्फ में 2 फिनोटाइप है, इसमें मेरे पास 2 फिनोटाइप है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या करा, 4 फिनोटाइप लिख दिए। तो इसका मतलब 4 तरह के प्लांट बनेंगे। कौन से, टॉल राउंड टॉल रिंकल, कैसे रिजल्ट के, देखो टॉल कितने थे 3/4, राउंड से मल्टीप्लाई किया 3/4, तो आ गया ना 9/16 बॉक्स वाला गया। ऐसे मेरे पास टॉल रिंकल, तो टॉल को रिंकल से मल्टीप्लाई किया, ड्वार्फ को राउंड से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही क्या करोगे आप, जीनोटाइप में कर सकते हो। जीनोटाइप अगर आप देखो आपके पास ये लिखे हुए जीनोटाइप, ये लिखे हुए बेटा, अगर जीनोटाइप ये लिखे हुए, ये किसके हैं, F2 के, सही है, F2 के, इसके भी F2 के जीनोटाइप ये थे, तो आप चाहो तो इनको मटिया कितना बेटा, 1/2 है, 1/4, 2/4, 1/4, ये 1/4, 2/4 और 1/4। अब मान लो मेरे को जीनोटाइप की रेशियो निकालनी है, तो देखो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो TTRR, एक तो ये आ गया, तो ये आ गया 1/16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं तीनों लिख रहा हूं इसके, इस टी को इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो एक बार, आप देख रहे हो, ऐसे ही इस वाले को तीनों से करो, देखो ध्यान से, ऐसे ही इस वाले को तीनों से करो, तो आपके पास आप इस तरीके से जीनोटाइप भी लिख सकते हो। और यहां पर आप देखो 1/4 × 1/4, 1/16, 1/4 × 2/4, 2/16, इसको काट मत देना, मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए। फिर मेरे पास 1/16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2/4 × 1/4, 2/16, ये 4/16, ये 2/16, कैसे आया 2/16, दिस इंटू दिस, देख रहे हो, ऐसे ऐसे 1/16, 2/16 और 1/16, तो रेशियो क्या आ गई, 1:2:1 ये लिखा, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1, ये आगे रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ऐसे किया। अरे कुछ समझ आया, साक्षी बेटा रो ले पहले ऑफ, इसी चीज को जादू इसलिए किया, सुन बेटा देख, इसलिए जादू बोला मैंने इसको, क्यों देख सामने सुनियो, इसको मैंने इसलिए जादू बोला कि तू मुझे टॉल राउंड, टॉल राउंड और एक और ले लेते येलो, इसको क्रॉस करा ड्वार्फ रिंकल्ड ग्रीन से, इसकी F2 बता, F1 आएगी फिर F2 आएगी, F2 में मुझे फिनोटाइप बता दो इसके, इसलिए जादू कह रहा हूं, फिनोटाइप बता दो कितने आएंगे फिनोटाइप F2 में, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसका बता जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी 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 बताओ बेटा, कितने फिनोटाइप आएंगे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के, जल्दी बताओ, देखें किसको पता चल रहा है, जल्दी बताओ किस पता चल रहा है, किसी को आवाज आ रही मेरी, 8 आएंगे, 8 कैसे आए, टॉल और ड्वार्फ, इससे 2 आएंगे, यहां 2 फिनोटाइप, राउंड और रिंकल से 2 आएंगे, येलो और ग्रीन से 2 आएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करो तब 8 आ रहे हैं। और फिनोटाइप कितने आएंगे, टॉल और ड्वार्फ के, F2 में फिनोटाइप 3 आते, 3 मल्टीप्लाई किया 3, तब मेरे पास कितने आ रहे, 27 जीनोटाइप आएंगे बेटा, और 8 फिनोटाइप आएंगे। जादू ये नहीं है, अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो जादू आएगा, इतनी बात अगर समझ आ गई आपको तो जादू क्वेश्चंस में लगेगा भी, ठीक है क्लियर। हाँ बाकी तुम बड़े मुंह को जादू देख, मैं टीचर हूं जादू दिखाऊंगा, आ दो यार, मैं तो पढ़ाऊंगा ना, कुछ चीजें समझाऊंगा, क्लियर है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो बेटा हम क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे इनके फॉर्मूले बना लेते हैं, 2 की पावर n, 3 की पावर n, ये 2 और 3 की पावर n तभी लगेगा जब ये सेम है, मतलब ये नॉर्मल तरह का क्रॉस हो रहा है, अगर अलग तरह के क्रॉस होते हैं तो फॉर्मूले यूज नहीं हो पाते, इसलिए फॉर्मूले याद नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे इतना कर लो, ठीक है बेटा। हाँ हम लोग यहाँ से बेटा नेक्स्ट क्लास में लॉ पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मैं उसको अलग से भी दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको मेंडल के अलग से क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, सारे गैमेट्स क्या होते हैं प्रॉपरली सारी चीजें समझाऊंगा उसको, ठीक है क्लियर है बेटा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ाई करो यार ना, पढ़ाई करो प्रॉपरली, ठीक से सारा, ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और कुछ आपको और बताते हैं कि 11th के लिए क्या करना है, उसको नेक्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट डे वाले, क्योंकि आज मैं बनाने वाला शेड्यूल उसको दे दूंगा आपको, कि क्या क्या करना है इस मंथ में आपको, ठीक है ठीक। जादू करते रहना घर पे, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये बॉक्स बनाओ, जरा ये वाला बॉक्स कंप्लीट करो, है ना, चेकबोर्ड
क्लियर। चलिए जेनेटिक्स की फील्ड लेने स्टार्ट कर दो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेहनत करनी आपने। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।